बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग 2023 क्वेश्चन नंबर 9, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फॉलोइंग इज द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ काजी ट्रेडर्स एज ऑन December 31, 2022। डेबिट बैलेंस है कैश 48,000, अकाउंट रिसीवेबल 1,40,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस है 70,000, ऑफिस सप्लाइज है 5,000, फर्नीचर है 50,000, परचेजेज है 2,00,000 और सैलरी एक्सपेंस 3,500, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, रेंट एक्सपेंस 4,200। टोटल बना 522,700 ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का। क्रेडिट बैलेंस पे आते हैं, अकाउंट पेबल है 22,700, सेल्स है 3,40,000, परचेजर एंड अनाउंस है 10,000। इसके बाद है कैपिटल रेहान 1,50,000, टोटल बना 522,700। फिर आते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट्स। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड बाय रुपीज 1,500, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर 5,000, सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर 4,200, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 3,500, सप्लाइज ऑन हैंड 2,000, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग होती है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एंडिंग। लिखी हुई डेट December 31, 2022। रिक्वायर्ड है प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज इन जनरल जनरल और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो पहले क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए हमें पहले बनानी पड़ेगी एडजस्टिंग एंट्रीज, जो हम वर्किंग में बनाएंगे। हमारी ये 6 एडजस्टिंग एंट्रीज जिसकी हम वर्किंग में एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, पहले कॉलम बना लेते हैं हम इसके। काजी ट्रेडर्स, जर्नल जर्नल, डेट पर्टिकुलर, पीआर डेबिट क्रेडिट कॉलम बनाए। पहली इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड कहते हैं एक्सपेंस को, किसी कहते हैं एक्सपायर्ड एक्सपेंस को। ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस, ये 2,000 प्रीपेड इंश्योरेंस है और नीचे लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस 1,500। अब दोनों डिफरेंट है, ऊपर प्रीपेड नीचे एक्सपेंस, तो जब भी दोनों डिफरेंट होते हैं आप अमाउंट लेते हैं एडजस्टमेंट का। तो आते हैं एंट्री की तरफ। हम पहले अमाउंट लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे अमाउंट भाई, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है। तो लिखा हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस 1,500 और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। अब बढ़ेगा क्यों बताओ भाई, ऊपर है प्रीपेड इंश्योरेंस, नीचे इंश्योरेंस एक्सपेंस है। तो मैंने एडजस्टिंग एंट्री के शॉर्टकट वाले कुछ सवाल कराए हैं जिसमें सेम टाइटल ऑफ अकाउंट और डिफरेंट टाइटल अकाउंट की रिकॉर्डिंग की हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं एडजस्टिंग बनती कैसे। तो मैंने शॉर्टकट से बनाई, ज़रा आसान पैटर्न हो जाएगा। ऊपर है प्रीपेड इंश्योरेंस, नीचे इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो जब भी दोनों डिफरेंट होते हैं अमाउंट आता है एडजस्टमेंट का, पहली बात। दूसरी बात होती है एडजस्टमेंट टाइटल इंक्रीज होता है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट, हमने किया इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट। और ट्रायल बैलेंस में था क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस, वो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, तो हमने किया प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। दूसरी डेप्रिसिएशन की एंट्री जो कि फिक्स बनती है, जब भी एक अपने डायरेक्ट बनानी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस और ऑप्शन क्रेडिट, अमाउंट भी एडजस्टमेंट का डायरेक्ट आ गया 5,000। नरेशन टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तीसरी एंट्री पे आते हैं सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर है 4,200। ट्रायल बैलेंस में देखें सैलरी क्या है, यहाँ भी सैलरी एक्सपेंस है 3,500, ऊपर एक्सपेंस 3,500, नीचे क्या है सैलरीज एक्सपेंस 4,200। अब दोनों सेम टाइटल है, ऊपर भी सैलरी एक्सपेंस नीचे भी सैलरीज एक्सपेंस, तो जब भी दोनों सेम होंगे आप क्या करेंगे अमाउंट लेते हैं डिफरेंस का, इसका पहला पॉइंट है। तो अमाउंट आएगा कितना 700 दोनों तरफ, एक्सपेंस 3,500 से 4,200 हो रहा है, ऊपर सैलरी एक्सपेंस था 3,500, नीचे हो रहा है 4,200, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है। जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट, हमने एक्सपेंस को किया डेबिट, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो साथ सैलरी पेबल के रिकॉर्ड होगा, और अगर दोनों तरफ एक्सपेंस हो और एक्सपेंस कम हो तो सैलरी प्रीपेड सैलरी के साथ रिकॉर्ड होता है। अभी बढ़ रहा है एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेबल क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड सैलरीज पेबल, ठीक है। चौथी एंट्री पे आते हैं, रेंट एक्सपेंस है कितना 3,500 और ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस कितना है 4,200, ऊपर है 4,200 नीचे 3,500, दोनों सेम है, अमाउंट आएगा डिफरेंस का है अभी भी 700। अब एक्सपेंस कम हो रहा है, अब एक्सपेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है तो क्या होगा क्रेडिट हो जाएगा, तो हमने क्या रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, और जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो पेबल आता है, कम होता है तो प्रीपेड आता है, तो यहाँ डेबिट साइड जो खाली है वहाँ लिखेंगे प्रीपेड डेबिट, सही। देखिए दोनों तरफ सैलरी एक्सपेंस था, वहाँ बढ़ रहा था एक्सपेंस हुआ था डेबिट और पेबल क्रेडिट हुआ था, यह एक्सपेंस दोनों तरफ है लेकिन एक्सपेंस कम हो रहा है, कम हो रहे साथ कैसे रिकॉर्ड होगा प्रीपेड के, तो एक्सपेंस कम होगा क्रेडिट और प्रीपेड रेंट डेबिट। नरेशन टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट, सही। अब आते हैं पांचवी एंट्री की तरफ,
अब आते हैं फिफ्थ एंट्री पे। फिफ्थ क्या बनेगी? ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड है 2000। ट्रायल बैलेंस में क्या देखते हैं? ऊपर भी ऑफिस सप्लाईज, दोनों ऑफिस सप्लाईज है, ऊपर भी ऑफिस सप्लाईज, नीचे भी ऑफिस सप्लाईज। तो जब दोनों सेम होते हैं अमाउंट आता है डिफरेंस का, यानी कि 3000। अब ऑफिस सप्लाईज कम हो रही है, 5 से 2000। सवाल में देखिए कितनी थी, 5 के ऊपर ऑफिस सप्लाईज, सही है। नीचे कितनी हो रही है ऑफिस सप्लाईज, 2000। ठीक है, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दो मैं इसकी। ऊपर 5 थी, नीचे ऑफिस सप्लाईज कितनी, 2000। तो दोनों सेम है लेकिन ऑफिस सप्लाईज कम हो रही है, कम होगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और इसके साथ डेबिट क्या होगा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, डायरेक्शन टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। छठी एंट्री लास्ट पे आते हैं, मर्चेंडाइज की, इसकी फिक्स एंट्री बनती है। जब भी क्या बनाओगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट इनकम समरी क्रेडिट 80,000 रुपये से नरेशन, लेकिन नरेशन तो टू क्लोज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, क्लोजिंग एंट्री बेसिकली। अब आते हैं क्लोजिंग एंट्री की तरफ, सही। पहले क्या लिखेंगे आप, इनकम समरी डेबिट करेंगे। मैं अमाउंट लिख रहा हूँ फिलहाल, लेकिन अमाउंट बाद में आएगा, ठीक है, सारे एक्सपेंस का टोटल करके। क्लोजिंग एंट्री कैसे बनती है, आप सारे एक्सपेंस करते हैं क्रेडिट, उसके साथ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग भी करते हैं क्रेडिट, सही है, और इसको प्लस करके इनकम समरी डेबिट करते हैं। असल में हम कर क्या रहे होते हैं, सारे एक्सपेंस को क्लोज कर रहे होते हैं। तो जब एक्सपेंस क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं क्या लाइन बाय लाइन, ट्रायल बैलेंस में पहली चीज़ क्या है, कैश है, कैश एसेट्स है, क्लोज नहीं होगा। अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स है, ये भी नहीं होगा। मर्चेंडाइज ओपनिंग है 70,000, इसे हम क्रिएट करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 70,000 से। उसके बाद क्या आ रहा है नेक्स्ट, देखते हैं दोबारा ट्रायल बैलेंस वापस जाके, ऑफिस सप्लाईज एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, फिर मिला परचेज, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, कितना है, 2,00,000 है, लिखा परचेज 2,00,000, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, सैलरी एक्सपेंस है 3,500। एंट्री भी चेक करेंगे कि डेबिट क्रेडिट तो नहीं हो रहा, तो सैलरी एक्सपेंस एंट्री में क्या हो रहा है भाई, डेबिट हो रहा है, डेबिट होगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ऊपर कितना था सैलरी एक्सपेंस, 3,500, नीचे कितना है एंट्री में, 700 से डेबिट हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, 4,200 हो जाएगा सैलरी एक्सपेंस, देखा सैलरी एक्सपेंस 4,200। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, प्रीपेड एंड एसेट्स है, फिर क्या रेंट एक्सपेंस, कितना है 4,200, एंट्री में चेक करते रेंट एक्सपेंस है, क्रेडिट हो रहा है, 4,200 तो क्रेडिट हो गया तो क्या करेंगे, माइनस, एक्सपेंस डेबिट होता तो प्लस, क्रेडिट होता तो माइनस कर देते, तो हमने किया माइनस, कितना आएगा 3,500 आ जाएगा रेंट एक्सपेंस, सही भाई। ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस खत्म हो गया, पहला आपने ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस देखे, फिर आप देखेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज लाइन बाय लाइन। तो भाई पहली चीज़ क्या आ रही है, इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहा है 1,500, लिख दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस 1,500। उसके बाद क्या नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 5,000, ये भी लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000। उसके बाद क्या है, सैलरी एक्सपेंस ऑलरेडी लिख चुके, दोबारा नहीं लिखेंगे, जो चीज़ हो चुकी उसको दोबारा नहीं करते। रेंट एक्सपेंस ऑलरेडी हो चुका है, अब ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 3,000, लिख दिया ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 3,000, सही। सारे एक्सपेंस का टोटल करेंगे आप तो कितना बनेगा, 287,200। नरेशन टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस इनटू इनकम समरी अकाउंट, सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, क्लोज करने के लिए हमने क्या किया, उसे क्रेडिट कर दिया। और नरेशन क्या बनाए, टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस इनटू इनकम समरी अकाउंट। अब इनकम रेवेन्यू की एंट्री बनेगी, रेवेन्यू सारे क्रेडिट होते हैं, हम यहाँ क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो देखते हैं रेवेन्यू कौन कौन सा है, सवाल में रेवेन्यू मिलता है क्रेडिट साइड पे, क्या मिलता है रेवेन्यू, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे मिलता है। पहला अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, दूसरा क्या है, सेल्स, सेल रेवेन्यू है मेरे पास, ठीक है, तो सेल क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट, हमने किया सेल्स को डेबिट। उसके बाद क्या नेक्स्ट, परचेज रिटर्न, परचेज क्या होता है हमारा, कॉन्ट्रा एक्सपेंस होता है, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट, परचेज रिटर्न भी कर देंगे डेबिट। उसके बाद क्या नेक्स्ट, सेल परचेज, और कोई हमारा इधर आइटम नहीं बचा, नीचे तो कोई और चीज़ है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग भी आती है, ये 80,000, इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट किया, तीनों को प्लस करा कितना बना, 80,000 प्लस करा 3,340 प्लस 10 प्लस 80, तो इनकम समरी हम करेंगे क्रेडिट, कितने से प्लस करके 4,30,000। नरेशन टू क्लोज ऑल इनकम इन टू इनकम समरी अकाउंट, अब इनकम है 4,30,000, इनकम का टोटल बन रहा है कितना, 4,30,000, और एक्सपेंस कितना बन रहा है,
287। अब इनकम ज्यादा और एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट हुआ, और जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर पेनल्टी का अमाउंट ज्यादा होता, किसका ज्यादा होता, पेनल्टी का अमाउंट यानी एक्सपेंस का अमाउंट ज्यादा होता तो लॉस हो जाता। लॉस होते कैपिटल क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता और इनकम समरी क्रेडिट हो जाता। तो बनाई इनकम समरी डेबिट, डिफरेंस अमाउंट आया माइनस करके 142,800 और कैपिटल हुआ क्रेडिट 142,800। नरेशन टू क्लोज इनकम समरी बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट। अगर सवाल में ड्राइंग होती तो चौथी एंट्री ड्राइंग की बनती, कैपिटल डेबिट ड्राइंग क्रेडिट। लेकिन सवाल में कहीं ड्राइंग नहीं है, ना एंट्री में ना ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली रिक्वायर्ड कंप्लीट यानी क्लोजिंग एंट्री। दूसरी बनाते हैं प्रिपेयर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। इसमें क्या आता है, सारे ऐसे डेबिट होते हैं, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, डिफरेंस से कैपिटल आता है। तो पहले लिखते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, हेडिंग डाली इसकी मैंने काजी ट्रेडर्स पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन January 1, 2023। सीरियल नंबर, टाइटल ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। पहले क्या आएगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे, क्या है पहला कैश है 48,000, लिख दिया कैश मैंने 48,000 ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल 140,000, ये भी लिख दिया 140,000। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग नहीं आती, एंडिंग आती है क्योंकि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस 17 ही आएगी, नीचे वाली जो 80,000 है वो आएगी। ठीक है, ये लिख दी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 80,000। उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट, ऑफिस सप्लाइज एसेट्स होता है 5,000 और एंट्री में ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट हो रहा है तो एसेट्स है, डेबिट होगा तो प्लस करेंगे, क्रेडिट होगा तो माइनस करेंगे, 3,000 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ऑफिस सप्लाइज 2,000 रुपये, 5 - 3 कितना आ गया 2,000। उसके बाद क्या नेक्स्ट ऑफिस सप्लाइज के बाद, फर्नीचर, ये भी फिक्स एसेट्स है, ये भी आ जाएगा, डेबिट कर दिया फर्नीचर 50,000 से। उसके बाद क्या नेक्स्ट, फर्नीचर के बाद परचेज एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स होता है, एंट्री में चेक करते हैं या नहीं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 1500 से, तो माइनस करेंगे तो 2000 माइनस 1500 कितना है 500 आ गया। तो ऊपर से आपके एसेट्स आपके अब खत्म हो गए, ठीक है, नहीं बचे। अब एंट्री में देखते क्या एसेट्स है, तो पहले एंट्री में ऐसे प्रीपेड हो चुका ऑलरेडी, प्रीपेड रेंट मिला हमें चौथी एंट्री में जो कि डेबिट हो गया, देख गया प्रीपेड रेंट, और ऑफिस सप्लाइज पांचवी एंट्री का हम ऑलरेडी लिख चुके, प्रीपेड आ जाएगा यहाँ पे कितना आ गया 700। तो एसेट सारे खत्म हो गए हमारे, अब लिखेंगे लाइबिलिटीज। तो भाई देखते हैं क्रेडिट साइड मिलती है लाइबिलिटी, पहला अकाउंट पे 22,700 क्रेडिट करेंगे इसको। उसके बाद क्या नेक्स्ट, सेल है नहीं आएगा, परचेज नहीं आएगा, ऊपर से लाइबिलिटी खत्म हो गई। एंट्री में देखते कोई लाइबिलिटी है, पहली में नहीं है, दूसरी में अलाउंस और रिवीजन है, ये भी क्रेडिट होगा, क्रेडिट करते हैं 5,000 से, कैपिटल जगह छोड़ देंगे, मैंने लिख दिया अमाउंट लेकिन एंड में आएगा, अभी नहीं आएगा, अलाउंस रिवीजन आ गया 5,000 सही। उसके बाद क्या आएगा, सैलरी पेबल है कितना 700, ये भी लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगी 700 सैलरी पेबल। ठीक है, और कोई लाइबिलिटी इसमें नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका टोटल करेंगे, लोग डेबिट साइड टोटल करेंगे कितना है 321,200 और इसी को हम क्रेडिट साइड पे भी लिख देंगे 321,200। और अब क्या करेंगे 321,200 में से आप ये तीनों वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 292,800। मैं इसे कैलकुलेट करके भी दिखा दूँ कैसे आ रहा है, हमने क्या किया डेबिट साइड सारी टोटल करी है, इन सबको प्लस करा 321,200 आया, यहाँ लिखा इधर लिखा, तो 321,200 माइनस 700 माइनस 5,000 माइनस 22,700 कैपिटल आ गया 292,800। इसको पहले जगह छोड़ेंगे, खाली रखेंगे, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में आप इस तरह से कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा कैपिटल है कि डेबिट साइड माइनस करके कैपिटल हमारा आता है। ओके बच्चों, सर यासर को इजाज़त दीजिए, टाइम फिर हम अगली क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।